स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट और फिलामेंट लैम्प के बीच में कंपैरिजन पढ़ेंगे, इनकी दोनों की आपस में तुलना करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो घर होता है, हमारे घर में लाइटिंग के लिए हम हमारे घर में या तो फ्लोरेसेंट ट्यूब काम में लेते हैं या फिलामेंट लैम्प काम में लेते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। तो आज हम लोग इनका आपस में तुल्यात्मक अध्ययन करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमारे को कौन सी लाइट हमारे घर पे उपयोग करनी चाहिए। सबसे पहले आप देखें, फ्लोरेसेंट ट्यूब के नीचे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर हम सिर्फ फ्लोरेसेंट ट्यूब रॉड खरीदें तो उसकी कॉस्ट अमूमन हमारी 40 से 50 रुपए की आती है। परंतु अगर हम पूरी असेंबली खरीदते हैं जिसमें हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब रॉड होती है प्लस हमारी नीचे की पट्टी होती है, स्टार्टर होता है और चोक होती है, तो इसकी पूरी कॉस्ट हमारी 250 से लेकर के 300 रुपए तक की आती है। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में अगर हम फिलामेंट लैम्प खरीदें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी कम आती है। अलग अलग वोल्टेज के लैम्प मार्केट में अलग अलग कॉस्ट के 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये के मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमारा पहला कंपैरिजन क्या है, फिलामेंट लैम्प की जो कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट होती है, जो प्रारंभिक मूल्य होता है वो काफ़ी कम होता है। इसके मुकाबले में जो हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब की पूरी असेंबली है, इसका जो प्रारंभिक मूल्य होता है, इसका जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरा कंपैरिजन आप देखें, औसत आयु 5000 से 7000 घंटे तक होती है। जो हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट होती है, इसकी जो एवरेज लाइफ होती है, इसकी जो यूजफुल लाइफ होती है, मतलब इसको हम लोग कितने लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, वो हमारा इसमें करीब करीब आता है 5000 से लेकर के 7000 घंटे तक। इसका मतलब यह है कि अगर हम हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब को 5000 से लेकर के 7000 घंटे तक यूज करेंगे तो हमारी ट्यूबलाइट फ्यूज होने के चांसेस नहीं रहते। इसके मुकाबले में अगर हम हमारा फिलामेंट लैम्प लें तो इसकी औसत आयु काफ़ी कम होती है। इसकी औसत आयु करीब करीब 1000 से लेकर के 1200 घंटे तक होती है। इसका मतलब ये है कि उसके बाद में ये लैम्प के फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड आप कंपेरिजन देखें कि जो हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट होती है, ये प्रकाश के साथ में काफ़ी कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह है कि ये लाइटिंग के साथ में काफ़ी कम हीट एनर्जी उत्पन्न करती है। जो हमारा फिलामेंट लैम्प होता है, ये प्रकाश के साथ में बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। आप लोगों ने आम भाषा में ये सुना होगा कि हम लोग कई बार बोलते हैं, सुनने में आता है कि ट्यूबलाइट की रोशनी ठंडी होती है। ठंडी रोशनी होने का मतलब ये है कि जब हम ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो ये क्या करती है, अपन लाइट के साथ साथ में काफ़ी कम हीट एनर्जी को बाहर रेडिएट करती है। तो अगर आप चलती हुई ट्यूबलाइट पे, जब ट्यूबलाइट ऑन है तो उसके अगर रॉड पे आप हाथ लगाओगे तो आपको रॉड काफ़ी कम गर्म मिलेगी। इसके मुकाबले में अगर आपने चलते हुए बल्ब हमारे जो ऑन पड़ा है उस पर आपने हाथ लगाया तो आपको बल्ब काफ़ी गर्म मिलेगा, आपको हाथ जलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, ये लाइट और काफ़ी कम हीट एनर्जी उत्पन्न करती है। इसके मुकाबले में हमारा जो फिलामेंट लैम्प होता है, ये लाइट के साथ साथ में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, काफ़ी गर्मी भी उत्पन्न करेगा। चौथा सा कंपैरिजन ये है कि अगर हम फ्लोरेसेंट ट्यूब को बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं तो इसकी आयु पे, इसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसकी लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। इसके मुकाबले में अगर हम फिलामेंट लैम्प को बार बार ऑन या बार बार ऑफ कर रहे हैं तो फ्लोरेसेंट ट्यूब के मुकाबले में इसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिफ्थ हमारा कंपैरिजन ये है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के ऊपर वोल्टेज फ्लक्चुएशन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके अंदर चोक लगी होती है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन मतलब ये है कि सप्लाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा हमारा कम ज़्यादा वैल्यू पे, एक रेंज पे हमारा हिलता है। मान लो हम बोलते हैं कि हमारे घर पे सप्लाई वोल्टेज जनरली आती है 230 वोल्ट, तो अगर कई बार क्या होता है कि मान लो हमारा वोल्टेज 150 वोल्ट हो जाए, 160 वोल्ट हो जाए, 200 वोल्ट हो जाए, तो ये हमारी जो फ्लक्चुएशन होती है इसको हम बोलते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन। जो हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, मैं वापस आपको कहता हूँ, हम कई बार आम भाषा में बोलते हैं कि हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब एक बार उठ जाए तो फिर वो बंद नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है इसको ऑन होने के लिए 230 वोल्ट चाहिए, पर एक बार अगर हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब ऑन हो गई तो उसके बाद हमारा वोल्टेज अगर 170 वोल्ट से 200 वोल्ट तक भी होता है तो हमारी ट्यूबलाइट बंद नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है
कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन का हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब के ऊपर प्रभाव बहुत कम पड़ता है क्योंकि इसमें चोक लगी होती है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन के जो भी प्रभाव होते हैं उसको चोक अपने अंदर समाहित कर लेती है, इसलिए इस पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके मुकाबले में जो हमारा फिलामेंट लैंप होता है इसके ऊपर वोल्टेज फ्लक्चुएशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा वोल्टेज बहुत कम हो जाए तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बल्ब की रोशनी जो होती है बिल्कुल येलो से हल्की हल्की रेड की तरफ होने की कंडीशन हो जाती है। तो अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो हमारा बल्ब से रोशनी काफ़ी कम निकलेगी। अगर वोल्टेज एक नॉर्मल रेंज पे है, वोल्टेज प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर आपको रोशनी देगा। फ्लक्चुएशन के कारण बल्ब खराब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। सिक्स आप देखें, प्रदीप्ति एफिशिएंसी कम होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसकी प्रदीप्ति एफिशिएंसी मतलब ल्यूमिनस एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। इसके मुकाबले में जो हमारा फिलामेंट लैंप होता है इसकी प्रदीप्ति एफिशिएंसी इसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। सेवन्थ आप कंपैरिजन देखें, फ्लोरोसेंट ट्यूब में इसकी ब्राइटनेस कम होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसकी चमक कम होती है। इसके मुकाबले में जो हमारा फिलामेंट लैंप होता है इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है। वापस मैं कहता हूँ, साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं ट्यूबलाइट को थोड़ी देर तक देखूं तो मेरी आंखों पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इसके मुकाबले में अगर मैं कोई मेरा फिलामेंट लैंप ऑन है और उसको मैं कुछ टाइम के लिए देखता हूं तो आपने नोट किया होगा कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो ये जो हमारा दुष्प्रभाव होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लेयर, साधारण भाषा में इसका हम बोलते हैं चौन, चकाचौन। तो हमारा जो फिलामेंट लैंप होता है क्योंकि इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है तो इसमें चौन ज़्यादा होती है, इसमें ग्लेयर ज़्यादा होती है, हमारी आंखों पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके मुकाबले में जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इसकी ब्राइटनेस काफ़ी कम होती है, इसमें ग्लेयर उत्पन्न होने के चांसेस करीब करीब शून्य होते हैं, तो इसका हमारी आंखों पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। एट्थ कंपैरिजन आप देखें, जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब है इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है मतलब इसका जो कार्यकारी ताप है वो करीब करीब रहता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। इसके मुकाबले में जो हमारा फिलामेंट लैंप होता है इसका वर्किंग टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है। इससे ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारा फिलामेंट लैंप ऑन होता है तो ये कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी पैदा करता है। नाइन्थ आप कंपैरिजन देखें, प्रदीप्ति दक्षता लैंप की वोल्टेज व ट्यूबलाइट की लंबाई बढ़ाने पर बढ़ती है, जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है। अगर मान लो इसकी हमारे को ल्यूमिनस एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम वोल्टेज को इंक्रीज करें और साथ में हम क्या करें ट्यूबलाइट की लंबाई बढ़ा दें, तो इससे हमारी ल्यूमिनस एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जबकि जो हमारा फिलामेंट लैंप होता है इसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमारे को वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। टेंथ आप देखें, इसमें कंपैरिजन, जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, हम जानते हैं हमारी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर हमारा मरकरी होता है और साथ में हमारी उसके अंदर कोई ना कोई एक इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस मतलब निष्क्रिय गैस, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, इस तरह की हमारी उसमें कोई निष्क्रिय गैसें भरी होती है। तो निष्क्रिय गैस को, इनर्ट गैस को उसके अंदर हम चेंज कर करके या अलग अलग कॉम्बिनेशन लेकर के हम हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब का आउटपुट जो कलर होता है उसको हम अलग अलग रंग में यूज करते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब हमारी जो होती है ये नीला, पीला, हरा, बैंगनी रंग उत्पन्न कर सकती है अगर हम इसके अंदर इनर्ट गैस को बदलते रहें। उसके मुकाबले में जो हमारा फिलामेंट लैंप होता है ये सिर्फ हमारे को लाल और पीले रंग का प्रकाश ही इससे प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट और फिलामेंट लैंप के बीच में कंपेरिजन था। धन्यवाद। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर, इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।